हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची की हत्या करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने का घिनौना मामला सामने आया है। बच्ची का परिवार बिजनौर से 4 दिन पहले ही खेत में मजदूरी करने हरिद्वार आया था। पोल्ट्री फार्म के चौकीदार ने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने चंद घंटे के बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया। मासूम बच्चों से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस दरिंदे तक पहुंच पाई। क्या नाम है आपका? रीतम जी। कहाँ के रहने वाले? मीरोपुर के। अच्छा, तो क्या हुआ, ये मामला क्या? ये मामला है, गेम काट रहे सर हम। हाँ यार, हमने बच्चों को ना गेम काट लेंगे। इधर 10-11 बीघे जमीन थी, वो 10-11 बीघे जमीन में हमने सब गेम काटने बैठ गए। कुछ दिनों हुए हमारे चलता रहा ऐसे, 2-4 दिन, 10-5 दिन, 2 ऐसे हो गए मेरे को वहाँ पे, 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन के बीच में पहले तो आए नूर मोहम्मद का केस हुआ। ये नूर मोहम्मद जब भी आया तो ये 500 नोट दिखा रहा था घर वाले को, बोल रहा है, कह रहा है कि मैं चल 500 रुपया दे रहा हूँ तेरे को कि चल मेरे साथ आ जंगल में चल। तो घर वाले ने इसको चप्पल मार के भगा दिया, थोड़ी दूर को भगाइए खेत दिया। एक आदमी आया, इसको ले कर चला गया, वो फिर नहीं माना, फिर दोबारा ढट कर डंडा ले कर आ गया, फिर गालियाँ देने लगा। गालियाँ दे गए तो फिर गई चप्पल ले गए, फिर 2-3 मार के उसको चौकी में दिया। वहाँ चौकी में दिया 2-3, उसको हम लगा दिए वहाँ पर, चौकी वाले ने लगाए। तो घर वाले तो घर आ गए वापस, हम अपने गेहूँ में बैठ गए। उसके बाद अब ये कल शाम को, अब तक वो मेरे को दिखाई नहीं दिया था नूर मोहम्मद तो, लेकिन ये रोज़ आता कहता था, कहने लगा वो ऐसे कह रहा, वो ऐसे कह रहा कि मुझे कोई ख़तरा दिखाई दे रहा कि कोई यहाँ दुर्घटना होने वाली है। तो मैंने कहा, मैंने भाई तू कहीं हूँ मन ना जाएगा, झुग्गी झोपड़े पर किसी की कोई दुर्घटना नहीं होनी, तो अपने फार्म में रहे, यहाँ कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो ये नहीं मानता था, लेकिन मुझे क्या पता ये दुर्घटना यूँ ही करने वाला है, खुद ही ये दुर्घटना खुद ही करने वाला है। तो सर मैं गेम काटा, 4-5 बजे का करीब का टाइम था, दूध आया दूध लेने देने के लिए। लड़की बोली, क्या पापा मैं दूध लेने ले लूँ? मैं, हाँ बेटा जा दूध ले आओ। लड़की दूध लेने लेके चली गई, मैं को 50 मीटर पे दूरी पे, 30 मीटर दूरी पे गेम काट रहा था, 30 मीटर दूरी पे। तो ये झाड़ू लगा रहा था बड़ के पेड़ के नीचे। कौन झाड़ू लगा रहा था? यही सोनू, सोनू। तो ये झाड़ू लगा रहा था सर, तो ये लड़की को ले गया बुला कर लकड़ी चुगने के बहाने से, मेरी बच्ची को लकड़ी चुगने के बहाने से ले गए, लकड़ी चुगने के बहाने से ले आ गए। इसने ये दुर्घटना करके वहाँ से करके इसको दबा दबो गए, और ये दारू पी गए, चिड़ियापुर आया, चिड़ियापुर से दारू पी के तब जा गए, 2.5-3 घंटे में वापस गया। उधर मैंने ढंडोली घेर दी अपनी लड़की की, मैंने लड़की कहाँ गई। तो ये नूर मोहम्मद कहाँ के रहने वाला है? ये नूर मोहम्मद का तो सर पता नहीं, लेकिन वहीं झोपड़पट्टी में रह रहा है, चिड़ियापुर के सामने चौकी के पीछे ही। तो सर सोनू कहाँ का रहने वाला है? सोनू बताता है टांडे का, लेकिन इसका कोई घर बार कोई अस्थाई वो ठिकाना नहीं है इसका, इसका अस्थाई कोई ठिकाना अपना नहीं है। ये कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, 2-10 साल इसके दौर रहे, 2 साल इसके दौर रहे, आज 5 साल इसके दौर रहे, ऐसे नौकरी करता फिरता ही। तो सर ये लड़की को ले गया, पटास पटा गए, लड़की के साथ मैंने दुर्घटना करी, दुर्घटना करके ये जाके चिड़ियापुर दारू पी के आया, आया पीछे के रास्ते से, जंगल के रास्ते से फार्म में दाखिल हो गया। और मैं तो रुक के ताड़ता फिर रहा था, लड़की कहाँ गई। कैसे पता चला? एक मिनट सोनू, क्यों पकड़ाया पुलिस ने? एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई, क्या करा तूने? एक लड़की को जंगल में ले गया मैं, हाँ वो मेरे हाथ से खत्म हो गई, और कुछ गलत काम हो गया। अच्छा, कितने बच्चे हैं? शर्म नहीं आई? तरस नहीं आया तुम्हें इस चीज के ऊपर? चलो हैं, कितने लोग थे साथ में और तुम्हारे? एक सेकंड भाई रुक जाओ, एक मिनट, इतनी जल्दी ना। एक जने का और नाम आ रहा है, कोई मोहम्मद नाम का आदमी है? मोहम्मद ये कौन है? ये तो कोई बिहारी रह रहा है, कोई कोटा वाली में। हां तो ये तुम्हारे साथ का नहीं है? ना, कल ये भी तुम्हारे साथ था? वो तो कल अपना खेत में काम करने के लिए गया था। क्या करते हो तुम? मैं तो बच्चा पाल लिया था पोल्ट्री फार्म में। वह ये खबर आई थी कि एक बच्ची की डेड बॉडी श्याम चिड़ियापुर के जंगल में बरामद हुई है। तो उसके बेसिस पर फिर हमारी तहकीकात शुरू हुई। तो तहकीकात के दौरान हमारे द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपना जुर्म कबूला गया, और उसके द्वारा ये कबूला गया है कि उसके द्वारा ये हत्या कर दी गई है। और जो मौके पर उससे कुछ एविडेंसेस भी बरामद हुए हैं कि जो उसकी निशादेही पर हमको बरामद हुए हैं, जो कि एक पुख्ता साक्ष्य है कि इसके द्वारा ही वो हत्या कारित की गई है। इसके द्वारा अभी बताया गया है कि इसके द्वारा आज से पहले कोई भी किसी भी किस्म में ये जेल नहीं गया है, कोई भी वारदात इसके द्वारा नहीं कारित की गई है।
जो हमको यहाँ से जो हमको मिला था, यानी कि जो क्ल्यू मिला था, वो वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे थे उनके द्वारा उनसे बातचीत करके हमको क्ल्यू मिला था, क्योंकि बच्चों के साथ ही ये छोटी बच्ची भी खेल रही थी, तो उनके द्वारा ही बताया गया है कि बताया गया था कि जो पर्टिकुलर हमारा अभियुक्त है उसके साथ ही लास्ट इसको देखा गया था और उसके साथ ही वो बच्ची मूव की थी, यानी उसी के साथ गई थी। तो उसी बेसिस पर हमें शक हुआ और उससे पूछताछ के दौरान फिर हमें पता भी पड़ा और उससे कुछ बरामद भी हुए हैं जो कि बिल्कुल बड़े ठोस सबूत हैं। मोटिव अब जैसा है, जो अभी तक अभियुक्त से पूछताछ है, हालांकि अभी और भी पूछताछ की जाएगी, तो जो मोटिव है वो क्लियर नहीं था। दरअसल जो अभियुक्त के अभियुक्त की बीवी है उसके साथ भी इसकी लड़ाई हुई थी, तो अभियुक्त की बीवी से भी हमारी पूछताछ हुई थी, तो उसके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर थोड़ा मारपीट की थी इसने उसके साथ और उसके बाद फिर ये मूव आउट किया था और इसके साथ ही वो बच्ची भी गई थी। इसके अलावा भी मेडिकल जो हमारी पोस्टमार्टम है वो अभी किया जा रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही इसका क्लियर होगा कि क्या क्या किस पहले तो मौत के क्या कारण रहे और दूसरा दुष्कर्म किया गया है उसकी भी पुष्टि उसके बाद ही हो पाई। कबूल द्वारा कबूल किया गया है और अभी मेडिकल अभी दुष्कर्म भी कबूल कर रहा है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार है और ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिपोर्ट ही फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसके अलावा अभी तक जो पूछताछ हुई है और जो अभी तक साक्ष्य मिले हैं उसमें केवल ये अकेला ही इन्वॉल्व था, लेकिन अगर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, अगर इसके अलावा कोई और अभियुक्त भी इसके साथ होगा तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेकिन अभी तक जो हमें एविडेंसेस मिले हैं उसमें केवल इसी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। सर, करता क्या है? फार्म है वहाँ पर, ये चौकीदारी करता था जहाँ पर पोल्ट्री फार्म में भी जो ये परिवार आया था, ये 21 अप्रैल को आया था, जो बेसिकली गेहूँ की कटाई के लिए आया था, तो वहाँ पर जो नियरेस्ट पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर ये चौकीदारी का काम करता था।